अखंड भारत का संकल्प भी लेंगे। बजरंगियों का कहना था कि बूढ़ी अमर अखंड भारत के संकल्प के साथ बजरंग दल का एक जत्था शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। जत्था में जाने वाले बजरंगी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के साथ अखंड भारत का संकल्प भी लेंगे। बजरंगियों का कहना था कि बूढ़ी अमरनाथ का यात्रा करना दुर्लभ है। उस क्षेत्र में आतंकवादियों का काफ़ी आतंक बना हुआ था, लेकिन बजरंगियों की यात्रा के बाद वहाँ आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगा है। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए बजरंग दल के संयोजक दुर्गेश पार्टी ने बताया, पहले से ज्यादा नहीं था। भारत माता की नारा वीर बजाएंगे, नारा वीर बजाएंगे, जय बाबा बर्फानी, बजरंग दल चला, जय बाबा बर्फानी यात्रा, बजरंग दल चला, जय बाबा बर्फानी बजरंग, जय भारत माता की, जय भारत वीरों की, जय भारत वीरों की, जय। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा, बजरंग दल ने ठाना है भारत अखंड बनाना है, बजरंग दल ने ठाना है भारत अखंड बनाना है, बजरंग दल ने ठाना है भारत अखंड बनाना है। बजरंग दल के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष से जम्मू कश्मीर से 200 लगभग 290 किलोमीटर दूर पुंछ जिले के मंडी तहसील में एक बहुत ही पुरातन मंदिर जिसको बाबा अमरनाथ चट्टानी के नाम से जाना जाता है, वहाँ की दुर्गम यात्रा बजरंग दल प्रतिवर्ष करता है। इस वर्ष भी बजरंग दल के नेतृत्व में गोरक्ष प्रांत से आज हमारे बजरंगी सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर जा रहे हैं, जिसकी यात्रा 20 तारीख से प्रारंभ होगी। ये यात्रा, ये क्षेत्र पूरा आतंकवाद और आतंकवादी एक्टिविटियों से घिरा हुआ है। बजरंग दल ने 2005 में ठाना था कि इस यात्रा को पुनः बजरंग दल स्थापित करेगा, और तब से लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष से लाखों बजरंगी इस यात्रा पर जाते हैं और वहां के हिंदुओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। आज बजरंग दल के इस प्रयास से उस स्थान पर आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, और वो जो हमारा मंदिर था, जो ऐतिहासिक मंदिर था, जो पुलत ऋषि द्वारा बनाया गया था, ऐसे मंदिर को आज संरक्षण प्राप्त हुआ है और वो मंदिर सुरक्षित है। नहीं तो वहाँ पे आतंकवादी और अन्य जो वहाँ के नागरिक लोग हैं उसको नष्ट भ्रष्ट करने के उस फिराक में थे। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? आज 95 लोग के जाने की सूचना है।